जगन्मोहन रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये ब्रिटिश जनता पार्टी बोल के आज भाषण दिया है। हम पक्का लोकल है, भारतीय जनता पार्टी पक्का लोकल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी पक्का फॉरेन पार्टी है, पक्का इटली पार्टी है, पक्का इटली कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष इटली का है। जैसा भी हम तेलंगाना में सत्ता में है तो जरूर हम इस मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करके उस रिजर्वेशन जो भी 4% है हम एससी को और बीसी को और बढ़ावा देंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये ब्रिटिश जनता पार्टी बोल के आज भाषण दिया है। हम ब्रिटिश जनता पार्टी कभी नहीं होते, हम ही देश का पार्टी है, हम पक्का लोकल है, भारतीय जनता पार्टी पक्का लोकल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी पक्का फॉरेन पार्टी है, पक्का इटली पार्टी है, पक्का इटली कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष इटली का है। हमारे को ब्रिटिश जनता पार्टी बोलते हैं। आपका पार्टी, आपका नेतृत्व, आपका चिंतन पूरा विदेश का है। आप जो कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में जो मुस्लिम रिजर्वेशन दिया गया, स्टेट हाईकोर्ट ने इस मुस्लिम रिजर्वेशन को, रिलीजियस रिजर्वेशन को बर्खास्त करते हुए कहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, रिलीजियस के आधार पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ऐसा जजमेंट देने के बाद भी आप तेलंगाना में लगातार 20 साल से रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट कर रहे, इसलिए हम इलेक्शन में हम अश्योरेंस दिए जनता को, इस रिजर्वेशन के कारण जो तेलंगाना बीसीस को अन्याय हो रहे, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी अन्याय हो रहे, लोकल बॉडीज में, एजुकेशन में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी बीसीस को अन्याय हो रहे। जो लोकल बॉडीज में एग्जाम्पल हैदराबाद कारपोरेशन में 150 सीट्स में 50 सीट्स बीसीस के लिए रिजर्वेशन किया गया, उस 50 सीट्स में 31 सीट्स में मजलिस पार्टी के संबंधित लोग, नॉन बीसी लोग जीत के आए हैं। ये बीसीस के रिजर्वेशन के विषय पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मैं पूछना चाहता हूं, हैदराबाद जीएचएमसी में जो मुस्लिम रिजर्वेशन के कारण जो बीसीस को अन्याय हो रहे, बीसीस के लिए 50 सीटों में 31 सीट्स नॉन बीसीस जीत के आए, कौन जिम्मेदारी है? बीसीस का अन्याय किसका, कौन जिम्मेदारी लेंगे? इसलिए जो हाईकोर्ट जजमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये रिलीजियस रिजर्वेशन को। जैसा भी हम तेलंगाना में सत्ता में है तो जरूर हम इस मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करके उस रिजर्वेशन जो भी 4% है हम एससी को और बीसी को और बढ़ावा देंगे, उस रिजर्वेशन को, उस कैटेगरीज को ऐड करेंगे।